मुंबई की अगली शान की सवारी इंतजार करती रही है, लेकिन नीले प्लास्टिक में ढके ये डिब्बे अब कुछ ही महीनों में खुली हवा देखेंगे। हम मेट्रो देख कर आए हैं, सब ठीक रहा तो साल भर में मुंबई पर पहली मेट्रो दौड़ पड़ेगी। चीन से मेट्रो के डिब्बे मुंबई पहुंचे हैं, बैठने के लिए बेंच, लेकिन ज्यादातर डिब्बा खड़े यात्रियों को समाने के लिए बनाया है। दीवारों पर स्टेशन की फहरिस्त अंग्रेजी और मराठी में छपी है। ड्राइवर की केबिन में चौड़ा शीशा, फोन और आरामदेह कुशन भी है। चीन में मेट्रो के अधिकारी खुद ये डिब्बे देख कर आए। हर डिब्बे का सफर महीना भर चला और मुंबई में इनकी एंट्री कुछ इस तरह हुई। अंधेरी एक्सप्रेसवे के पुल के ऊपर से मेट्रो का पुल गुजर चुका है। कुछ बांद्रा वर्ली सी लिंक की तरह इसे भी ये केबल पकड़े हैं। एक केबल के भीतर 1.5 सेंटीमीटर मोटे 27 फौलादी रस्से हैं। ऐसे 20 केबल्स हजारों टन का ये पुल थामे रहेंगे। पश्चिम मुंबई को शेष भारत से जोड़ता वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो या फिर वेस्टर्न लाइन की रेलवे पटरियां, इनको रोके बगैर इन पर से मेट्रो का निर्माण करवाना उतना ही जटिल और जोखिम भरा था जितना किसी पेशेंट के जिंदा दिल को रोके बगैर उस पर ओपन हार्ट सर्जरी करवाना। एक महीने में 12 मीटर की रफ्तार बहुत धीमी तो लगती है, लेकिन जब ब्रिज के ऊपर आकर इसकी रचना को देखें तो पता चलता है कि इसमें कौन कौन सी मुश्किलें हैं और किन किन चुनौतियों को पार कर मेट्रो का निर्माण यहाँ तक आकर पूरा हुआ है। सैकड़ों इंजीनियर दिन रात इस पुल पर काम कर रहे हैं। हमें कंप्यूटर पर डिजाइन की जटिलता दिखाई गई। पुल की एक तरफ है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे स्टेशन। इसके जैसे 11 और स्टेशन जमीन से करीब 20 मीटर ऊपर आपको मेट्रो की दुनिया में ले जाएंगे। एक्सप्रेसवे स्टेशन से एक सीधी ढलान आपको 1 किलोमीटर दूर अंधेरी रेलवे स्टेशन ले जाएगी, जहाँ एक और चुनौती मुंह फाड़े खड़ी थी। 25,000 वोल्ट के लाइव वायर्स और उनके नीचे से धड़धड़ाकर गुजरती मुंबई की लाइफलाइन, इनके ऊपर से रोजाना सैकड़ों टन लोहे से खेलना मौत से खेल से कम नहीं था। वो भी तब जब उन्हें हर रात बस 4 घंटे अपना काम पूरा करने के लिए मिलते थे। रात 12 बजे काम शुरू होता था, सवेरे 4 बजे तक काम निपटाना होता था, क्योंकि तड़के सवेरे 4:30 बजे पहली लोकल यहाँ से गुजरती थी। तब तक पूरा काम 10 महीने इसी रफ्तार से चलता रहा। लकड़ी के हजारों फट्टे बारिश और धूप में लोहे के साथ इस ब्रिज को संभाले हैं। यहाँ कंक्रीट की एक परत बिछेगी और उनके ऊपर से मेट्रो दौड़ेगी। 1275 टन का ये ब्रिज मुकम्मल होने में 10 महीने से भी ज्यादा वक्त लगा है, क्योंकि एक रात में एक ही सेगमेंट जैसे तैसे बन पाता है। ऐसे में जब 183 मीटर का ये ब्रिज दूसरे छोर पहुंचेगा तो वर्सोवा से अंधेरी के सिरे जुड़ जाएंगे और 1.25 घंटे का सफर 20 मिनट में पूरा होना सच्चाई बन जाएगा। मुंबई से कैमरा पर्सन दिनेश हराले के साथ योगेश दामले, NDTV इंडिया।